फिर हम जिस टीम के बारे में बात करने वाले, मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, जिसमें यहाँ पर हम बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की पहले बैटिंग हुई, जिसमें ओपनर बल्लेबाज ने बेहतरीन बैटिंग की दिल्ली कैपिटल के लिए। अगर आपको इसकी हाईलाइट देखना है तो ipt20.com पे देख सकते हैं। अगर आपके आसानी के लिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके आप इस मैच का मजा ले सकते हैं। 162 रन बनाए दिल्ली कैपिटल। उसके बाद 162 को चेस करते करते मुंबई इंडियंस ने इस मैच को 19.4 से जीत चुकी है। तो चलो हम स्कोर की तरफ चलते हैं दिल्ली कैपिटल के। तो पृथ्वी शॉ ओपनर बल्लेबाज और धवन, जिसमें पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 4 रन बनाए, धवन ने 69 रन बनाए 52 बॉल पर 6 चौके की मदद से। रहाने आज डेब्यू के मतलब पहला मैच खेला, 15 रन बनाए। अय्यर 42 रन बनाए 33 बॉल पर। माकाश टोनी 13 रन। उसके बाद बॉलर की तरफ जाए, ट्रेंट बॉलर ने 4 ओवर पर 36 रन एक विकेट लिए। उसके बाद हैं जयंत पीटरसन 37 रन, कुणाल पांड्या 2 विकेट लिए 26 रन पे। पोलार्ड 1 ओवर 10, बुमराह 4 ओवर 26। उसके बाद मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की तरफ जाते हैं तो रोहित शर्मा ने सोने पे आउट होते होते बचे, लेकिन 12 बॉल पर 5 रन बनाए। उसके बाद डिकॉक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, छक्के और चौके की बारिश करके यहाँ पर 36 बॉल पे 53 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, एक छक्के और 6 चौके की मदद से 32 बॉल पे 53 रन बनाए। ईशान किशन आते साथ बल्लेबाजी 2000 बल्लेबाजी से 2 छक्के 2 चौके लगाए। हार्दिक पांड्या शून्य पर, आज हो सकता है हार्दिक पांड्या का बर्थडे था, उनको एक छक्के तो लगाना चाहिए था, बर्थडे बॉय थे आज। कैन पोलार्ड 14 बॉल पे 11 रन, 7 बॉल पे 12 रन कुणाल पांड्या। तो इस मैच को यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने जीत ली है। कसूर रबाडा जो कि 17 विकेट ले चुके हैं और पर्पल कैप उनके हाथ में, 5 विकेट से मुंबई इंडियंस ने इस मैच को जीत लिया। तो गाइस यहाँ पर हम बात करने वाले अक्षर पटेल, दिल्ली कैपिटल के एक बेहतरीन ऑलराउंडर। उन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन कैच ली डाई मार के, लेकिन इस मैच को तो हार गई दिल्ली कैपिटल ने। लेकिन अगर आपको इसके हाईलाइट देखना है तो ipt20.com पे देख सकते हैं। अगर आपको आसानी के लिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं इस कैच की फुल वीडियो जो उन्होंने डाई मार के लिए।